नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप बात करोगे जो पुराने जमाने में हुक्का और ये लोग होते हैं जो पीते थे, आज की उम्र में आप उनसे बात करें कि उनको क्या तकलीफें होती हैं, क्योंकि कि इनका डिस्ट्रक्शन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अगर उन्होंने 18 साल या 20 साल की उम्र में शुरू किया है तो उनको तो पता नहीं चलेगा। वो लोग तो सिर्फ टीवी देख के, फिल्मों को देख के या फिर इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, लेकिन जब उनकी उम्र 50 साल या 55 साल होगी और एक नॉर्मल आदमी जो नॉन स्मोकर होगा, अगर आप उससे कम्पीट उस टाइम पे करोगे तब वो फर्क पता चलेगा कि भाई मैंने क्या नुकसान किया अपने शरीर का। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching The Good Health Show. And today we are going to talk about smoking. And for that we have Dr. Mayam Kapoor with us. Sir, hello, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सर, स्मोकिंग और वेपिंग एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम में मुझे लगता है कि सभी लोग, मतलब मैक्सिमम लोग करते हैं, और स्मोकिंग तो करते ही हैं, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि स्मोकिंग से स्मोकिंग हार्मफुल है तो वो वेपिंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट, एंड मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के पास भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उन्हीं के आज हम आंसर आपसे लेंगे। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे माइंड में है वो यही है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं और वो सोचते हैं कि वेपिंग करके स्मोकिंग उनकी छूट जाएगी या फिर उनको कम हार्मफुल होगा वेपिंग, सो इज इट राइट, वेपिंग कम हानिकारक होती है स्मोकिंग से? वेल, अगर देखा जाए तो पुट इट इन अ राइट वे, तो ये होगा कि अगर आप जहर ले रहे हो तो कोई एक जहर दूसरे जहर जैसे ही है, थोड़ा सा कम इफेक्टिव है बट दोनों ही जहर है, दोनों ही हार्मफुल है। कुछ में जैसे जो नॉर्मल सिगरेट हम स्मोक करते हैं उसमें अराउंड 7000 केमिकल्स होते हैं जो कैंसर और ये सारी चीज़ें होती है, इसमें उसके मुकाबले कम है, बट ये नहीं है कि इसका पूरी तरह से सेफ है। इसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। ओके, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वेपिंग करने से उनको कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा गलत है? बिल्कुल, जो प्रॉब्लम स्मोकिंग से है वो वेपिंग में है, स्मोकिंग से फास्ट है, वेपिंग में थोड़ा स्लो है। ओके सर, अगर बात करें हेल्थ रिस्क की, स्मोकिंग और वेपिंग से जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? स्मोकिंग से खासकर आपका कैंसर हो गया, फिर एक बीमारी होती है सीओपीडी जिसमें क्या लंग डिस्ट्रॉय हो जाता है जो स्मोक अंदर लेते हैं। जो वेपिंग होती है उसके अंदर केमिकल दूसरा होता है, उसमें आपका अस्थमा के होने के चांस होते हैं, फिर एक ARDS एक निमोनिया जैसा होता है उसके चांस हो जाते हैं, आपके बार बार खांसी आती है, बार बार सांस फूलती है, खांसी बंद नहीं होती वेपिंग के बाद, तो उससे भी कैंसर कुछ कुछ एजेंट्स होते हैं, बट मेजॉरिटी जो डिस्ट्रक्शन है वो है वो ज्यादातर स्मोकिंग से देखा गया। ओके, एंड सर ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं जब ये डिस्कशन चलता है स्मोकिंग और वेपिंग पे, कि मैं तो दिन में एक ही स्मोक करता हूँ, मैं तो दिन में एक ही सिगरेट पीता हूँ, या फिर मैं तो ओकेजनली स्मोकिंग करता हूँ, एंड दूसरी साइड वो लोग होते हैं जो रोज पीते हैं और तीन तीन चार चार सिगरेट पी रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा पी रहे हैं, तो क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है? आप चाहे एक सिगरेट लो या एक वेप लो, धुआं तो आपके अंदर ही जा रहा है, ठीक है। जो लोग रेगुलर करते हैं उसमें ज्यादा परसेंटेज जाएगा, जो लोग कभी ओकेजनली कभी करते हैं उसमें कम जाएगा, बट वो ये जिन लोग ज्यादा करते हैं जो डेली करते हैं उनका लंग जो है 50 की उम्र में जाके खराब हो जाएगा, जो ओकेजनल करेंगे उनका 60 साल में होगा, लेकिन दोनों का ही खराब होगा। ओके, कि वो हार्मफुल इफेक्ट्स तो आ ही रहे हैं, बस वो धीरे धीरे मिनिमम कोई भी एक धुआं एक तरह से धुआं ही है, दोनों आपके लंग्स में दोनों जाके डिस्ट्रक्शन की कॉज करता है। ओके, तो अगर कोई ओकेशनल स्मोकर भी है तो उनको भी ट्राई करना चाहिए कि वो कम स्मोक करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो हो सकती है। सर, अगर जैसे वेपिंग को एक सेफर ऑल्टरनेटिव माना जाता है स्मोकिंग का, एंड जैसे आपने बताया कि देर में होता है लेकिन दुरुस्त आती है, कि आपको हार्मफुल इफेक्ट्स तो जरूर देखने पड़ते हैं, सो उसको हम एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं मान सकते। बिल्कुल। ओके, एंड सर स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको वो ये बोलते हैं कि निकोटीन की वजह से वो कर रहे हैं, वो निकोटीन से मतलब उनको आदत हो गई है, एडिक्टिव हो गए हैं, तो अगर वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग को लगता है कि वो स्मोकिंग छोड़ेंगे, उनको पता है कि हार्मफुल इफेक्ट्स तो हो रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा है जो करके वो छोड़ सकते हैं? देखो, सबसे पहले इन चीजों में सबसे रिक्वायरमेंट है कि विल पावर, आपके अंदर की शक्ति होनी चाहिए कि मेरे को छोड़नी है। जब तक वो नहीं रहेगी तो बाकी जो दवाइयां हैं या फिर निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज कहते हैं वो कोई काम की नहीं है। मार्केट में आपको च्युइंगम्स मिलती है, निकोटीन च्युइंगम्स या निकोटीन लोजेंजेस आती है, निकोटीन स्प्रेज आते हैं, ठीक है, वो आपका जो तलब होती है स्मोकिंग की वो उसको रिड्यूस करता है, बट वो तभी इफेक्टिव है अगर आप बिल्कुल जीरो स्मोकिंग करेंगे।
ओके तो बट सर क्या जो निकोटीन के जो गम्स ले रहे हैं और स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या वो हार्मफुल नहीं होती है? नहीं, वो ग्रेजुअली कर करके हम उसको रिड्यूस करते हैं. निकोटीन एक केमिकल होता है जो हमारे माइंड को इफेक्ट करता है. इट इज नॉट हार्मफुल इन लोअर क्वांटिटीज, बट स्मोकिंग के साथ साथ जो हमारे केमिकल्स मिलते हैं, स्मोक होता है, आर्सेनिक होता है, कैडमियम होता है, बहुत हैवी मेटल होते हैं, वो भी फ्री में मिल जाते हैं स्मोकिंग के साथ. इसके अंदर से इट इज प्लेन निकोटीन, तो इसलिए इसका उसका असर सिर्फ ब्रेन में रहता है, कोई हार्मफुल इफेक्ट ज्यादा नहीं होता. एंड सर जिस तरह से आज का जो यूथ है वो स्मोकिंग की तरफ काफी अट्रैक्टेड है, सो पहले तो ऐसा हम देखते थे कि जो बड़े लोग हैं वो पी रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, वो अलग अलग हुक्का पी रहे हैं. सो जो लोग यंगर एज में ये सब स्टार्ट कर देते हैं, क्या उनको अगेन जल्दी वो अफेक्ट करता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, या फिर बिकॉज उनकी मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है एंड उसकी वजह से उनको कम रिस्क रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप बात करोगे जो पुराने जमाने में हुक्का और ये लोग होते हैं जो पीते थे, आज की उम्र में आप उनसे बात करें कि उनको क्या तकलीफें होती हैं, क्योंकि इनका डिस्ट्रक्शन बहुत स्लो प्रोसेस होता है. अगर उन्होंने 18 साल या 20 साल की उम्र में शुरू किया है तो उनको तो पता ही चलेगा. वो लोग तो सिर्फ टीवी देख के, फिल्मों को देख के या फिर इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, लेकिन जब उनकी उम्र 50 साल या 55 साल होगी और एक नॉर्मल आदमी जो नॉन स्मोकर होगा, अगर आप उससे कम्पीट उस टाइम पे करोगे तब वो फर्क पता चलेगा कि भाई मैंने क्या नुकसान किया है अपने शरीर का. एंड सर अगर बीमारियों की बात करें स्मोकिंग से, जैसे कि लंग्स तो खराब होते ही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, तो वो कौन कौन सी ऐसी बीमारी है? देखो, लंग्स में तो खासकर आपका लंग कैंसर है या निमोनिया है, आपको बार बार खांसी आएगी, सांस फूलेगी, ये तो हो गया लंग्स का. आपका हार्ट अटैक के चांस 4 times बढ़ जाते हैं, आपको स्ट्रोक होने के चांस बढ़ जाते हैं, बॉडी में कहीं पर भी कैंसर है वो बढ़ जाता है. कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जब स्मोकिंग करते हैं तो वो ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी इतना इन्फ्लेम्ड है, वो आप इतनी हानिकारक चीज़ें ले रहे हो अंदर, सारी बॉडी तो उसको ठीक करने में लग जाती है, तो बाकी से बाहर से कोई इन्फेक्शन आएगा तो वो कैसे ठीक होगा? ठीक है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जितने आप न्यूज़ में देखते हैं जो सड़क को यार चल रहा है कि मर गया, तो सारा कुछ इससे रिलेटेड भी हो सकता है. एंड सर जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनसे अगर पूछो कि आप स्मोकिंग क्यों करते हो, तो उनका मेन क्वेश्चन, मेन एक आंसर होता है कि वो डिप्रेशन है, बहुत स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए. तो क्या सच में ऐसा है या फिर वो थॉट उनका ऐसा है इसलिए उनको लगता है कि एक्चुअली ये सर निकोटीन की वजह से, जैसे आप लेते हो तो आपको थोड़ा सा लाइट आइडेंटिटी होती है, जैसे आप कोई भी ऐसा अल्कोहल लोगे, कोई भी दूसरी ड्रग्स लोगे, आपको एक फीलिंग ऑफ लाइट आइडेंटिटी होती है. ठीक है, बट ये पीयर प्रेशर लोगों को देख के, हाँ भी उस मुक्कर है चलो कुछ होगा, स्टार्टिंग में उनको नहीं फील होता, बट जैसे जैसे वो करते रहेंगे उनको फील होता रहेगा. स्टार्टिंग में एक सिगरेट से होगा, धीरे करके वो 2 होंगी 5 होंगी, धीरे करके फिर 1 packet तक वो ले लेते हैं, कुछ नहीं होता. तो ये तलब ही होती है जब तक हमें वो अचीव नहीं होता है, हमारे बॉडी में निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, धीरे करके क्योंकि आप निकोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो शरीर को लगता है कि नहीं मेरे को और रिसेप्टर बनाने चाहिए, तो वो जैसे बनते रहेंगे वो आप जिस दिन नहीं लोगे वो रिसेप्टर बनेंगे, हमें चाहिए हमें नहीं मिल रहा, तो वो धीरे करके फिर आपकी जो तलब बढ़ती रहती है, 1 सिगरेट से आप 1 packet तक पहुँच जाते हैं. सर जैसे आपने बताया कि निकोटीन जब कंज्यूम करते हैं तो लाइट फील होता है और उसी की वजह से सबको लगता है कि स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, तो अगर निकोटीन को हम रिप्लेस करना चाहें मे बी अपने लाइफस्टाइल से, मे बी अपनी डाइट से, मे बी किसी भी चीज से, सो ऐसा कुछ है कि हम रिप्लेस कर सकते हैं वो, ये जो फीलिंग हमें निकोटीन से आती है हमारे माइंड को, वो हमें किसी और चीज से?